नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, अभी मैं यहाँ आया हूँ, जो NH-28 जो आप देख रहे हैं यहाँ पे, जो मुजफ्फरपुर और समस्तीपुर के बीच ये कनेक्टिविटी है, तो सुजावलपुर चौक है, वहाँ से अप्रॉक्स 1 किलोमीटर जब आप यहाँ आइएगा तो सरमसपुर बाज़ार मिलेगा, ठीक है। तो सरमसपुर बाज़ार में एक दूर से आए हुए हैं यहाँ पर कलाकारी, जो राजस्थान से आए हुए हैं और यहाँ पर भगवान की मूर्ति बना रहे हैं। अभी कल विजयदशमी था, उसका ढेर सारा आप लोग को शुभकामना है। और आज से ठीक 20 दिन के बाद दिवाली आने वाली है, तो उसके लिए यहाँ पे कलाकृति लोग आए हुए हैं और यहाँ पे बनाते हैं भगवान की मूर्ति। चलिए आप लोग को यहाँ पे रूबरू कराते हैं और दिखाते हैं, हमारे वीडियो में बने रहे। अभी देखिए, आपको हम ले चलते हैं, ये फर्मा किस तरह का रहता है और किस तरह से यहाँ पे बन के तैयार होता है, उसके बारे में आप लोग को दिखाते हैं। ये देख लीजिए, ये सामने जो आप देख रहे हैं ये फर्मा हुआ, इसी से भगवान की मूर्ति तैयार होती है। तो कुछ आप बता सकते हैं कि इससे क्या क्या होता है, क्या क्या बनता है? ये हो गया लक्ष्मी गणेश का मंदिर हो गया। अच्छा, ये लक्ष्मी गणेश का मंदिर हुआ। अच्छा, ये इसमें डाल के ऐसे इसमें कवर से इसमें क्या क्या यूज होता है इसको बनाने में? ये प्लास्टर पेरिस खाली यूज होता है। अच्छा, प्लास्टर पेरिस से ये बनता है, और उसमें क्या मिलाया जाता है? कुछ और नहीं मिलाया जाता, पानी से इसको बना के आराम से सीमेंट का घोल फिर इसमें डाला जाता है, फिर 2 घंटा के बाद निकालना। अच्छा, लगभग 2 घंटा के लिए इसको तैयार किया जाता है। जब ये इसमें से जो निकलता है वो कहाँ पर रखा हुआ है? ये देख लीजिए, ये जो मोल्ड जो आपको दिखाए थे उसमें से ये तैयार हुआ है बन के। अब इसको धूप में सूखने के लिए दिया जाएगा, यही ना? चलिए ठीक। अभी देख लीजिए, यहाँ पे बहुत बेहतरीन से यहाँ पे बनाया हुआ है, ये खुद से ही लोग तैयार करते हैं। ये देख लीजिए, यहाँ पे पूरा सीमेंट सब रखा हुआ है प्लास्टर ऑफ पेरिस का। और ये देख लीजिए, अभी ये सब जो ना पूरा खुला हुआ मोल्ड है, इसी में सब तैयार करते हैं। यहाँ पे पूरे फर्मा यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए, ये देख रहे हैं ना, ये लोग राजस्थान से आए हुए हैं और इसी सीमेंट का यहाँ पे आप पुट्टी का जो पूरे इस्तेमाल करते हैं, जो यहाँ पे सब रखा हुआ है। और ये देख लीजिए, यहाँ पर लोग रहते हैं साथ में, 1 महीना लगभग यहाँ पर है ये लोग। दिवाली ख़त्म हो जाएगी फिर यहाँ से आप लोग हट जाएंगे। और ये देख लीजिए, और यहाँ पे पेंट का काम हो रहा है, जब ये सूख के जब यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे पेंट होगी, और आपको दिखाते हैं पेंट किस तरह से होता है। ये देख लीजिए, ये लाफिंग बुद्धा है। पेंट करो ना, आपका नाम आपका फोटो नहीं लेगा। ये देख लीजिए, पहले इस तरह का था ये, और उसको जब पेंट कर दिया गया तो यहाँ पे देख लीजिए इस तरह। अभी कुछ और काम बाकी है इसमें जो और खूबसूरत लगेगा। ये तोता हुआ, ठीक है। यहीं पर 3 कलर है ये पेंट का, इसी से पेंट होगी कलर। कितनी बेहतरीन तरीका से ये पेंट हो रहा है, हर चीज़ सादा होता है, जब उस पर कलर आ जाता है तो बहुत शानदार लगता है देखने में। ये देख लीजिए, जो मोल्ड से जो बाहर निकला था, जो आपको दिखाए थे, वो सूखने के लिए यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पे जब ये सूख के तैयार हो जाएगा तो इसको पेंट के लिए वहाँ पे भेजेंगे।
ये देख ले, जब पेंट होके तैयार हो जाती है तो यहाँ पे कुछ बनाया जाता है जो बहुत शानदार लगता है देखने में। गणेश जी है वो, तो अभी आप लोग को सारा चीज़ हम दिखाए हैं, तो कैसा लगा आप लोग को? उम्मीद है कि आपको ये चीज़ बहुत अच्छा लगेगा। अगर पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है दोस्तों, हमारे वीडियो में बने रहिएगा।